नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिनभर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं, हमने बयानों को देखा जो ये बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। हाई कोर्ट ने फैसले में सीएम को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा है। आम आदमी पार्टी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। हाई कोर्ट ने कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता का फिक्र है, ना कि राजनीतिक नैतिकता का। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच में नहीं है, यह केस केजरीवाल और ईडी के बीच में है। हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है, उसके पास हवाला ऑपरेटर और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के बयान। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी ने भी केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। आया वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। इसको लेके कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच की मैटर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नहीं आता। आज माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। यह सामान्य बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार ये था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना, उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा विषय बहुत स्पष्ट मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। Material collected by the ED reveals that the Kejriwal conspired was involved in formulation of excise policy. अभी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अरविंद केजरीवाल जी के मामले में आया है, लेकिन जैसा पिछले कई दिनों से लगातार मैं कह रहा हूं, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं पूरी मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कि यह पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है, पंजाब की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने और खत्म करने का मकसद है। नहीं नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी को पता ही नहीं चला, रिकवरी तो हो गई है, 59 करोड़ रुपए की रिकवरी हो गई है और कोर्ट ने, सबसे बड़ी बात है, उस चीज को एक्नॉलेज किया। हाई कोर्ट ने दो बातों को हाई कोर्ट ने आज एक्नॉलेज किया, मैं समझता हूं वो हमारी बड़ी जीत है। कोर्ट ने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि 59 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से
शरद रेड्डी की कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी को आया। कोर्ट ने दूसरी बात जो हमारी बहस थी वो एक्नॉलेज तो की कि जो मगुंटा रेड्डी हैं और उनके बेटे हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़े गवाह हैं, वो मगुंटा रेड्डी भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं सांसद का। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि 10 साल के कार्यकाल में यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी पीलीभीत पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बांसुरी भेंटकर प्रधानमंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप मुझे बताइए साथियों, भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फहराया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? भारत में हुए भव्य G20 सम्मेलन की पूरी दुनिया में वाहवाही हुई, प्रशंसा हुई, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी, ये सुनकर आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया, हम एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाए। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को भी पूरी श्रद्धा से भारत लाए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। बीजेपी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से भी कम नहीं है। साथियों, जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं तो नतीजे भी सही मिलते हैं। आज हम चारों तरफ विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। कहीं 4 लेन 6 लेन 8 लेन के हाईवे बन रहे हैं, कहीं भव्य रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, कहीं वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं। पुरानी सरकारों के दौरान जो उद्योग यहां बंद पड़ गए थे, जो फैक्ट्रियां यहां बंद हो गई थी, उनको भी इससे नई ऊर्जा मिलेगी। सपा बसपा कांग्रेस के 14 साल में जितने रुपए गन्ना किसानों को मिले थे,
उससे ज्यादा पैसे बीजेपी ने यहां योगी जी की सरकार ने 7 साल में गन्ना किसानों को दे दिए हैं। गांव गांव में 3 करोड़ महिलाएं ये हमारी लखपति दीदी बनेगी और ये मोदी की गारंटी है। पक्के घर, हर घर नल से जल, ऐसी हर सुविधा, तेजी से हर बहन हर परिवार तक पहुंचे, ये मोदी की गारंटी है। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। करेंगे अगली खबर की। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यूपी के हापुड़ में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां सीएम ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, अब तो कोई पटाखा भी तेजी से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है। नहीं नहीं, हमने नहीं छोड़ा है, दुश्मन बहुत ज्यादा डरा हुआ है। आगे मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब अगर पटाखा भी फूटेगा तो पाकिस्तान पहले सफाई देगा कि नहीं, हमने नहीं फोड़ा है, इतना डर हो गया है, दुश्मन इतना डर गया है। यह है नया भारत। नया भारत बोलता नहीं है, घुसकर मारता भी है। गरीबों का कल्याण हो रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बेटी और व्यापारी दोनों को सुरक्षा मिल रही है, आस्था का भी सम्मान हो रहा है। जब गलत लोगों को चुनते थे, दंगा करवाते थे, खेत में फसल भी कटवा लेते थे और कोई अपने खेत में पंपिंग मशीन लगाया है ना पानी डालने के लिए, क्योंकि बिजली तो आती नहीं थी। सपा बसपा की सरकार ने तो चूंकि वे लोग अंधेरे के प्यारे, अंधेरा उनको अच्छा लगता है, इसलिए बिजली भी नहीं देते थे। बहनों और भाइयों, आज तो बिजली दे दी गई है ना, सबको बिजली मिल रही है, बिना भेदभाव के बिजली मिल रही है, सुरक्षा का बेहतर इंतजाम है। पहले लोग गौ तस्करों को, गौ कसी करने वालों को प्रश्रय देते थे, किसान के घर में बंधी हुई गाय कोई कसाई रात्रि में खोल करके लेके चला जाता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। समाजवादी पार्टी के रामपुर के एक नेता की भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस लगाई जाती थी, लेकिन किसान के लिए नहीं लगाई जाती। बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। देखो, पिछली बार तनिक गलती रह गई अमरोहा में, क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। अमरोहा के ढोलक की थाप कमजोर पड़ गई थी। जो सांसद बना उसका संसद में चरित्र किस रूप में, भारत माता का भी जयकार करने में उसको संकोच हो रहा था। क्या ऐसे लोग संसद में जाने चाहिए क्या, जो भारत माता को मां कहने में संकोच करते हो, खाएंगे यहां का। और तब भी जो धरती माता हमें अन्न देती है, जो धरती माता हमें आगे उड़ने के लिए अवसर देती है, जिस धरती माता के साथ हमारी पुरखों का संबंध है, उस धरती माता का जय जयकार करने में उन्हें संकोच होता है। क्या वह व्यक्ति संसद में जाने लायक है क्या, तो फिर इस सपा कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया है। गलत व्यक्ति को चुनेंगे तो चुनाव में वोट आपका एक अधिकार है, इस वोट की कीमत का एहसास कराइए, कहिए जो भारत माता का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। सहमत है ना। तो वहीं मिर्जापुर पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचकर मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। इस दौरान दर्शन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी हारने लगती है तो उसे हिंदू भी याद आते हैं और मुस्लिम। जब चुनाव हारने लगते हैं तो उनको हिंदू भी याद आते हैं, मुसलमान भी याद आते हैं।
मैं आपको थोड़ा इतिहास की याद दिला दूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो सर्वोच्च नेता थे अपने काल के भारतीय जनता पार्टी के, वो सिंध सरकार और पंजाब की सरकार, बंगाल की सरकार, दो सरकारों में तत्कालीन मंत्री परिषद में ये शामिल थे। मैं फिर बता दूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिंध प्रांत और बंगाल में मंत्रिपरिषद के साथी हैं। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव सोमवार को चुनावी रण में उतरी। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी के कथनी और करनी में अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया, उल्टा देश में बेरोजगारी बढ़ा दी। इंडिया का गठबंधन हुआ था तो सबसे ज्यादा कोई परेशान था उस समय तो भाजपा थी, और जहाँ पे हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने में भी हिचकिचा रही थी। तो मैं समझती हूँ इंडिया गठबंधन जो है बहुत ही मजबूती के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं और कट्टरता से लड़ रहे हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों का समर्थन लगातार इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, और जिन प्रदेशों में रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन प्रदेशों में लोगों का समर्थन उन क्षेत्रीय पार्टियों को भी मिल रहा है लगातार। हिंदुज़्म में बहुत बड़ी कहावत है कि प्राण जाए मगर वचन ना जाए, और जहाँ भाजपा की सरकार आई थी और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले 14 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में पहुँचेंगे, बात यहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद कहा था कि 2 करोड़ लोगों की नौकरियाँ लगेंगी युवाओं की हर प्रतिवर्ष, उसके बाद कहा था कि गैस सिलेंडर जो है बहुत सस्ते और मुफ्त मिलेंगे, उसके बाद कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई, जहाँ कहा गया था कि जो बिजली की व्यवस्थाएं में सुधार लाया जाएगा, जहाँ कहा गया था कि आवारा पशुओं की जो परेशानियां हैं जिससे हमारा किसान त्रस्त है आज, उसमें भी सुधार किया जाएगा, उन परेशानियों को हटाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह सरकार जो बातें कहती आई है उन सभी में विफल रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों का साथ, समर्थन और प्यार समाजवादी पार्टी के साथ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि संभल के चंदौसी में बुधवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, जहां वो सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें जानकारी देते हुए बीजेपी के जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह उर्फ रिंकू ने बताया कि बुधवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संभल लोकसभा क्षेत्र की चंदौसी विधानसभा में सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन का संबोधित करने के लिए आएंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें रक्षा मंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कल सोशल मीडिया वॉलंटियर करके सम्मेलन है और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और आशीष गार्डन में हमने उनका कार्यक्रम रखा है। हमारे सभी सोशल मीडिया के वॉलंटियर, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, सभी पार्टी के पदाधिकारी वहां रहेंगे और हमें आदरणीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लगभग कितने मिनट का प्रोग्राम होगा यहाँ तक संबंध? लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम है, इसमें 1 घंटा माननीय राजनाथ जी आ रहे हैं। क्या तैयारी चल रही है कार्यक्रम? तैयारी जबरदस्त है और सारी व्यवस्थाएं अभी हमारे क्षेत्र के महामंत्री श्रीमान हरीश ठाकुर जी आए थे और सारी योजना बैठक अभी की है, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कार्यकर्ताओं को सौंपी हैं और कार्यकर्ता तैयारी पूरी जोर। देश की राजधानी दिल्ली में मिसेज इंडो अमेरिका 2024 अर्थ के लिए भारत की तरफ से हिस्सा लेने जा रही शेरिन मोहम्मद शिबिन की ताजपोशी कर भव्य जश्न मनाया गया। आपको बता दें कि सितंबर महीने में यह प्रतियोगिता होगी। मिसेज अर्थ प्रतियोगिता में वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली शेरिन मोहम्मद शिबिन पहली भारतीय महिला है। किशोर और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद है शेरिन। शेरिन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया वॉइस। थैंक यू। आप क्या कहेंगी, आप इंडो अमेरिका जीत चुकी हैं और अब अर्थ मिसेज अर्थ 2024 के लिए जा रहे हैं। मैं
अभी मैं मिसेज इंडो अमेरिका 2024 बन चुकी हूँ और अब मैं सितंबर में मिसेज अर्थ में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रही हूँ. सो इसमें आई एम ट्राइंग टू कि हर मैरिड वुमन जाए लाइक रिप्रेजेंट देयर ड्रीम्स, अपने सपनों को यू नो गिव विंग्स टू देम, वो उसको पूरा करें. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अर्थ के बारे में होते हैं. सो अब भूमि के सस्टेनेबिलिटी एक्शंस होते हैं तो प्रिजर्व करना, तो रिसाइकल करना है, रीयूज करने है चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें हैं. एंड अपने फील्ड में अगर आप साइंस में हो या एनवायरमेंटल में हो या इंजीनियर भी हो, सब में हम अर्थ को, भूमि को प्रिजर्व कर सकते हैं अच्छे से. तो उन सब चीज़ों को लेके आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडो एंड कैनेडा इन मिसेज अर्थ. महिलाओं के लिए क्या कहेंगे, जिन महिलाओं को घर से जो महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं और जो जिन महिलाओं के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्या कहेंगे? हाँ सही बात है, क्योंकि अब मिसेज बन चुकी हूँ तो जब हर मैरिड वुमेन एंड बच्चे होने के बाद ये भी होता है कि यू नो हम अपने ड्रीम्स को, सपनों को यू नो सैक्रिफाइस करते हैं. मगर जो भी हो, अगर शादी होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी, यू कैन ऑलवेज़ ड्रीम्स को परस्यू कर सकते हैं. अपने आप में दम हो और अपने आप में एक विश्वास हो कि आप कर सकते हो, एक छोटा सा भी है भी, यू नो यू कैन स्टिल उसमें बिलीव करो. एंड उसमें बिलीव करने के बाद अपॉर्चुनिटीज जो आते हैं उसको ले लीजिएगा. आपको थोड़ा सा डर भी होगा कि उसको झेलने के लिए, बट यू नो गो फॉर इट एंड देन बाकी सब आ ही जाएंगे. अपने आप पे विश्वास रखो, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. 2024 के लिए जा रही हैं, क्या कहेंगे हमारे इंडिया वालों को, भारत के लोगों को? भारत के लोगों को व्हाट आई वांट टू से इज इंडिया इज़ अमेजिंग एंड बहुत सारे अर्थ के सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत कर चुके हैं एंड आगे भी करें. एंड देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कैन डू एज वुमेन ऑल्सो. हर फील्ड में सस्टेनेबिलिटी एक्शंस करना चाहिए, घर में, अपने फील्ड में, काम में. एंड वी ऑल टुगेदर, हर वुमेन विद ईच ड्रीम, they can come together, put the small pieces together and they become a big impact to the world. So that is the biggest thing that I can say for every woman out there. Thank you. से बात करने के लिए धन्यवाद. तो ये थी मिसेस शेरिन, जो अभी जो 2024 का अर्थ जो होने वाला कॉम्पिटिशन उसके अंदर भाग लेने जा रही है और किस तरीके से उन्होंने बताया कि महिलाओं को जो आगे जाकर, जो भारत की महिलाएं हैं उसको जाकर दूसरे देश में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमने इनसे बात करी है. कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली. तो वही झारखंड के बड़कागांव कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से ईडी कार्यालय में अवैध बालू खनन मामले में पूछताछ हुई. आपको बता दें कि इस मामले में जमीन हड़पने की कोशिश, धमकी और बालू तस्करी समेत आधा दर्जन मामले समेत मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर बड़कागांव की कांग्रेस विधायक से ईडी ने पूछताछ की. के मौके पे हमने तय किया कि हम ऐसा कुछ करें और क्योंकि ये एक चीज़ है जो अभी अभी हम लोगों को आई, अभी इसका अनुभव कर ही रहे हैं कि ये क्या चीज़ है. तो इस बीच में हम चिंता होके और परेशान होके हम बैठे हुए नहीं हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, अपना सारा चीज़ कर रहे हैं और उस बीच में ये भी कर रहे हैं क्योंकि हमने तो किसी का सरहुल एक दो दिन में आने वाला है, अब पता नहीं आगे क्या होगा. तो डर नहीं है, डर बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमने जैसा बोला कि हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे क्योंकि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, कुछ गलत नहीं किया है. जाँच निष्पक्ष हो. टिकट तो दिया ही जा रहा था लेकिन क्योंकि लगातार अभी समन का सिलसिला जारी है तो तो वही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को 3 दिन के लिए अंतरिम राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने की इजाजत दी है. अब्बास 10 अप्रैल की को मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा पूरी सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी को लाया जाए. 10 अप्रैल को फातिया पढ़ने के बाद अब्बास अंसारी को वापस गाजीपुर जिला जेल में रखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 और 12 अप्रैल को अब्बास अंसारी अपने परिवार वालों से मुलाकात करेंगे. 13 अप्रैल को अब्बास अंसारी को वापस कासगंज जेल में लाया जाएगा. अंतरिम राहत के दौरान अब्बास कोई मीटिंग और इंटरव्यू नहीं देंगे. खबर दिनभर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही. देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस. नमस्कार.